नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के डबवाली रोड बाईपास पर। और मेरे आने का कारण यह क्योंकि एक लड़का बहुत गंभीर आरोप लगाता है और कहता है कि मेरी माँ को कोई लड़का भगा कर ले गया और उसके बाद में ये आग बबूला हो जाता है और कहता है कि इस घर में इसने तोड़फोड़ की है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसने दूसरे सामने वाले के घर में तोड़फोड़ की है, गेट तोड़ दिया, कैमरे तोड़ दिए और ये आज आग बबूला क्यों है। डायल 112 की टीम भी मौके पर आ जाती है, यहाँ पर आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। मेरा भांजा 15 साल का गायब है और उस पे चोट, उसके चोट लगी है पैर पे, डकैती का प्रयास किया, अंदर घुसे हैं ये, डंडों से और हथियारों से हमला किया है और ये 3 से 7 व्यक्ति थे, नशे में है ये सभी, इनका टेस्ट किया जाए। आपने तोड़फोड़ का प्रयास क्यों किया? क्योंकि मेरी माँ बजा के ले गया था, 15 दिन रखी पहले, इससे पहले उसके बाद इसके बाद मेरी माँ, मेरे पापा भी कहते आपके पास, आप मेरे डैडी, मेरा डैडी गया था आपके पास है, उसने आपने, आपकी माँ की उम्र कितनी है? माँ की उम्र कितनी है? उम्र 45 साल 46 साल होगी। इतनी ये लड़का ऐसे काम करा, मैं चाचा कहता इस लड़के को जद। इसके बाद वो बंदा बोलने लगा जद। सोनू शर्मा जी, हाँ जी, मैं बात कीजिए, ये महिला है इससे बात कीजिए आप कि सच क्या है। सच क्या है जी? आप आओ जी, आगे बताओ, बताओ जी सच क्या है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है ना? मैं कहते कितने चली जाऊँ, मेरा ठिकानो कितने, ठिकानो कितने को नहीं मेरे। नहीं, आपका बेटा झूठ बोल रहा है क्या, ये बताओ। मैं कितने 10 दिन कितने ला दूँ, कितने 5 दिन कितने ला दूँ। मेरे पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं सर, और आज भी ना मेरे पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे मुझे जान से मारने की करी है इन्होंने, प्रयास किया है और मेरा भांजा गायब है 15 साल का। और मैं, मेरी बात सुनो, एसपी साहब से और आईजी साहब से गुहार करूंगा कि मेरा भांजा जल्द से जल्द लौटाया जाए। उसने अपनी जान छुपाई है ऊपर लुक के, उसको मारने का हथियार रहने के पास 3 से 7। आपकी माँ कह रही है अभी मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। अकेला था भाई साहब, अभी भी मैं अकेला था और चार सोनू शर्मा जी, 4-5 जना था, दारू पी के आया है। आप देखो, आपने उनके बयान दर्ज किए, ये देखो वो क्या कह रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने 4-5 दंडे थे, इन्होंने हमला किया, देख लो पिताजी इनके कह रहे हैं कि मेरा क्वाड तोड़ दिया, मैं और किसका क्या कहूँ, पिताजी आज जाए कल जाए। शर्मा जी, आपने वीडियो के बयान ले लिए इन्होंने? नहीं, आप एक बात बताओ, आपका बेटा आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि मेरी माँ, सर 15 दिन बाद घर पे आया हूँ मैं, उसके बाद ऐसा बड़ा सर, इसको अरेस्ट करवाना है, इसको अरेस्ट करवाना है, इसको सर अरेस्ट करो, अरेस्ट कर लो, एक ना नहीं 5 जना ने करना ही, 5 जना ने, जितने ने दारू पिया तो बैठ के अरेस्ट करना, 5 जना ने करनी है, मैं 5 जना ने। भाई साहब एक बात बताओ, माँ के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हो? ये आपकी माँ खुद, माँ के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहा हूँ मैं, 6 दिन पहले आया घर पे, सुनो 6 दिन अरेस्ट किया जाए, जब गया मैं उसके बाद काम पे चलेगा, मैं करूँगा। मेरा पापा बोला मुझे क्या मासी के, अभी सर मासी के मेरा भी गेट तोड़े ही, मर गया, मेरा गेट मिलवाऊंगी, अरे इनका भी करो, मारो मारो गेट, देखो निकालो, ले चलो भाई साहब, सर पूरी फुटेज ले लीजिए, इसकी वीडियो लीजिए सर, ये मेरा ले लिया, ये देखो यहाँ पर, ये देखो मीटिंग करते हैं गड़ी पे खड़े होते हैं, वहाँ खड़े होते हैं रोड डेली मीटिंग करते हैं, यहाँ खड़े हो गए और बार बार गए थोड़े, हमें ये भी हमें सारा मिल गया, दारू पीने जा इसको, ठीक है अब एक बात बताओ, एक मिनट, एक बात बताओ, आपकी गाड़ी में एक मिनट रुको जी, नहीं सर इसको अरेस्ट करो, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट पहले एक बात बताओ, एक पांच लेके जाना, एक नहीं लेके जाना, पांच जने, अरे बादल कौन दे, बादल कौन दे, एक मिनट एक मिनट पहले आज का वक्त जमानत कराना की मेरी भूल सुनो, एक मिनट इसकी बात,
एक मिनट गलत ना बोलो। हाँ जी मेरा भांजा गायब है, कर दिया इन्होंने। ये देखो एक मिनट रुको जी, एक मिनट एक बात आओ, हमला आपने किया? ये मैंने किया। कितने लोग थे? मैं अकेला था। एक जो खड़ा मिट्टी यो खड़े पकड़ो इसने, गेट तोड़े तो यो खड़े। कौन था साथ? यो खड़े मिट्टी, एक मिट्टी साथ था, एक ये था। गाड़ी मत निकालो, गाड़ी मत निकालो। सोनू शर्मा जी, हाँ जी, बात को निष्पक्ष आपकी दिखाया जाए, सच और निष्पक्ष बात को दिखाया जाए, बात में कोई अंतर ना हो। बिल्कुल, लाइव चल रहा है। उस समय भी आपने कहा था कि बात निष्पक्ष होनी चाहिए, उस समय भी ये व्यक्ति छुपा रहा था बातों को, ठीक है। करता है कोई, भरता है कोई, ठीक है। ये नजायज आरोप मेरे पे लगाए जा रहे हैं, इसको मैं यानी पूरा सेटिस्फाई नहीं हूं इन बातों से। मेरे को जस्टिस नहीं मिला, आप जस्टिस दिलाएं। नहीं, आपके ऊपर आरोप लगाता है, इनका बेटा आपके ऊपर आरोप लगाता है कि मेरी माँ को भगा कर ले गया, आपके ऊपर आरोप लगाता है। तो आप उनके, आप मेरी बात सुनो, आप उनके बयान लीजिए, आप उनसे बात कीजिए, उस महिला से बात कीजिए जिस महिला ने मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, आप उनसे बात कीजिए, ठीक है। आप एक मिनट इधर आओ, इधर आओ, एक मिनट। आप मर गया गाड़ी मत निकालो। आप ये बताओ मेरे ऊपर आपके ऊपर आरोप लगता है? अरे नहीं था। एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, हाँ, अरे लड़ाई मत करो, आगे चलो। डायल 112 की टीम आ जाती है, पुलिस आ जाती है, यहाँ पर हंगामा हो जाता है, और यहाँ पर एक लड़का अब, हाँ जी, लाइव चल रहा है, एक लड़का अपनी माँ के ऊपर आरोप लगाता है कि मेरी माँ को मेरी माँ को भगा। ये देखो आग, सारे गलियारा नाम ले जी, दूसरे नाम क्यों ले है? तो आप दे सकते, थोड़ा समझे, कोई और समझो। आगे चलो। आप दे सकते हैं डायल 112 की टीम, ये आप दे सकते हैं। गाड़ मत निकालो सर जी, गाड़ मत निकालो, गवाही दे रहे हैं, गाड़ मत। इसको छोड़ो, आप सागो अरे ये को छोड़ो, तोड़ा है को, अब ये कलिया को नाम तो ले सिंगा, ये ना तू ना गाड़ी ना। तो आप दे सकते हैं यहाँ पर आग बबूला, यहाँ पर लोग आग बबूला, यहाँ पर भीड़ बेकाबू, क्योंकि एक लड़का अपनी माँ पर गंभीर आरोप लगाता है, और आरोप लगाता है कि मेरी माँ को सामने वाला लड़का भगा कर ले गया, और उसके बाद में यहाँ पर पुलिस आती है डायल 112। हाँ जी, मैंने आपको क्या कहा था फोन मार के परसों भाई? ये लेडीज घर आ चुकी है, और आज मेरे को ये ना धक्के खम कह रहे हैं, आज धक्के खम मेरे को कह रहे हैं भाई, ये आज इसके साथ था, इन्होंने इसका नाम डलवा दिया, ठीक है। लाइव चल रहा है, एक मिनट रुको, दो मिनट रोक पी, दो मिनट ये बोलो, पूछा भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई बहादरी दी जी, बहादरी हो यही भाई, ये 15 दिनों के बाद जा, मैं ये 20 दिनों के बाद ही घर में पड़ी है, तो इसके लड़के ने ना, इसके लड़के काम पे बिल्कुल ये सच है, बिल्कुल बिल्कुल सच है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। अगर बंदे को जोश आएगा ही, उसकी माँ करेगी तो होएगा ही, बिल्कुल बिल्कुल गुस्सा आएगा, बात है ये सारी, उसके साथ ही वो नहीं होना चाहिए, हमारे बिल्कुल गली गाली ने माहौल बिगाड़ रखा है,
बताओ क्या करें इसका जी। हमें तो गुस्सा है। चौथे दिन इसका आदमी पहले कह लग रहा वीडियो के अंदर कि मेरी घर वाली बाज रही है, तो इनको बंदे ने कह लगे सब ने लड़के ने दारू को 500 पैसे दिए ने, इसके लड़के ने पहले भी दारू पी के ने इसके कुट्टो इसको बढ़ने नहीं दूंगा घर के अंदर। सर जी सर आम जे बाजी थी अब तो इसका मतलब गलत है, उसका गुस्सा जायज है। जय जय जी इसका गुस्सा। पास भी तो आए थे सर, आपके पास आए थे, मैंने खबर भी दिखाई थी आपके पास भी आए थे। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले बहुत बार हो चुका है, बहुत बार लड़ाइयां हुई है, गली से बहुत बार लड़ाइयां हुई है उसके पीछे, फिर भी ये सुधरने का तो नाम नहीं। उसका आदमी तो उसके साथ मिल गया लेडीज के, खर्चा लेता है वो, उनकी क्या बताए बस पूरा मोहल्ले खराब खराब कर रखा है इसको, सारी गली पूरी गली सफाई देने को तैयार है। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।